नमस्कार मैं हूं मनोज कुमार और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ का डिजिटल चैनल इन खबर बिहार और बाढ़ ऐसा लगता है कि जैसे दोनों एक दूसरे के पर्याय बन गए हैं नियति बन गई है ऐसा लगता है बिहार में बाढ़ क्योंकि लगातार वहाँ पे इस तरह की त्रासदी हर साल ये देखने को मिल जाती है बिहार में बाढ़ कब से आ रहा है ये तो कहना मुश्किल है लेकिन आज़ादी के बाद उन्नीस में उन्नीस में इसको लेकर के परियोजना बनी और उस वक्त के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने कोसी परियोजना की जब शुरुआत की थी उस वक्त उन्होंने कहा था कि अगले पंद्रह सालों में बिहार को बाढ़ से छुटकारा मिल जाएगा उन्नीस की अगर हम बात करें तो यानी कि ये या 1970 होता है यानी 1970 में तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि बिहार को बाढ़ से छुटकारा मिल जाएगा और उसी परियोजना के उद्घाटन के मौके पे तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी मौजूद थे और उन्होंने उस वक्त कहा था कि हमारी एक आंख कोसी पे रहेगी और दूसरी आंख पूरे हिंदुस्तान पे रहेगी यानी 1955 में ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा था लेकिन अभी भी देखा जाए तो स्थिति में कहीं कोई सुधार कहीं कोई बदलाव देखने को नहीं मिला है लगातार तटबंध टूट रहे हैं लगातार बिहार बाढ़ की त्रासदी से जूझ रहा है और कहीं कोई सूध लेने वाला दिखाई नहीं देता इन तमाम बातों को देखकर तो यही लगता है क्योंकि अब तक इन परियोजनाओं पे अरबों रुपए खर्च हो चुके हैं अब तक तो यही लगता है कि ऐसा लगता है जैसे बिहार में बाढ़ एक घोटाले का पर्याय बन गया है एक घोटाले का साधन बन गया है बिहार में बाढ़ चूँकि परियोजनाओं के नाम पर करोड़ों रुपये अरबों रुपये खर्च होते हैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसे कह दिया है कि यह प्राकृतिक आपदा है चूंकि नदियों में बाढ़ आ गई है चूंकि 1955 में कोसी परियोजना के तहत जब तटबंधों को नए नए तटबंध बनाए गए थे और नदियों को मोड़ा गया था उस वक्त कहा गया था कि बिहार को बाढ़ से आज़ादी मिल जाएगी हालांकि इस तरह के प्रस्ताव अंग्रेजों के ज़माने में भी आए थे लेकिन अंग्रेजों ने साफ मना किया था अंग्रेजों का कहना था कि तटबंध जब टूटता है तो पानी का वेग उतना ज़्यादा होता है जितना कि सामान्य नदी का वेग नहीं होता और इस वजह से अंग्रेज़ों ने इस पूरे प्रस्ताव को खारिज कर दिया था लेकिन जब भारत में हुकूमत बनी आज़ादी के बाद उसके बाद जितने सारे प्रस्ताव लगे जितने सारे योजनाएं चलाई गईं कहीं कोई किसी का कुछ भी नतीजा कोई रिजल्ट देखने को नहीं मिला तो चूँकि लगातार दो हफ्तों से बारिश हो रही है बिहार में बाढ़ तो हर साल आती है वहाँ पे 2017 में भी पूरे उत्तर बिहार में भीषण बाढ़ आई थी कोसी क्षेत्र में तटबंधों से सटे कुछ इलाके तो ऐसे हैं जहां हर साल बाढ़ आती है लाखों के जान माल का नुकसान होता है ऐसा लगता है मानो बाढ़ यहाँ के लोगों की नियति है बिहार में बाढ़ कब से आ रही जैसे कि मैंने कहा ये तो पता नहीं लेकिन इस तरह की बातें लगातार परियोजनाएं बनी लेकिन इन परियोजनाओं का अंजाम अगर देखा जाए तो कुछ भी हासिल नहीं होता अभी जो पूरे बिहार की स्थिति है खासकर झंझारपुर की अगर बात की जाए झंझारपुर में कमला बलान का जो तटबंध टूटा उसके बाद झंझारपुर की तो ऐसी स्थिति होगी एक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं उन तस्वीरों को देखिए कि किस प्रकार से लोग घरों पे चढ़े हुए हैं अपने छत पे और छत भी डूबने के कगार पे है और कुछ लोग वहाँ अब तक नब्बे लोगों की मौत हो गई है और जिन लोगों की मौत हुई है उनमें से बहुतों का तो क्योंकि तो लाश भी नहीं मिल पाई है कि वो लाश कहाँ गया वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनका तो यही कहना है कि वो इंतज़ार कर रहे हैं कि वो लाशें फूलने के बाद पानी के ऊपर आ जाएँ जिसके बाद उनको ढूंढा जा सके और कहीं कोई राहत वहाँ पे दिखाई नहीं देती सिवाय जो कुछ तस्वीरें हम तक प्राप्त हुई हैं जो मिली हैं उसमें जागो हिंदुस्तान पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं विद्या Uh, सागर विद्या सागर जी की तरफ से ही कुछ चीज़ें देखी जा रही हैं जहाँ पे वो लोगों से मिल रहे हैं भोजन मुहैया करा रहे हैं लोगों को साड़ियाँ वगैरह बांट रहे हैं वो दे रहे हैं तो कुछ जो लोग हैं वही वहाँ राहत शिविर में लगे हुए हैं वहाँ पे लोगों तक पहुँचाने के लिए तो पूरी झंझारपुर यानी कुल मिलाकर वैसे बारह जो जिले हैं प्रभावित हैं बाढ़ से और जो त्रासदी है बिहार में यह लगातार देखने को मिल रही है तो कुछ लोग ही हैं जो मदद के लिए आगे आए हैं जिसमें जैसे कि मैंने कहा कि जागो हिंदुस्तान पार्टी के कुछ लोग वहाँ पे दिखाई दे रहे हैं जिन्होंने इस तरह की कवायद की है लोगों को बचाने के साथ साथ उनको किस प्रकार से भोजन मुहैया कराई जाए कपड़े लत्ते का किस प्रकार से व्यवस्था हो ये इंतज़ाम किया गया है लेकिन पूरे 12 अगर ज़िलों की बात करें तो स्थिति वही है यानी कुल मिलाकर यही कहा जा सकता है कि हर साल नई नई योजनाएं बनती हैं हर साल बिहार में बाढ़ आती है उन्नीस से ले अब तक यही खेल चल रहा है अरबों रुपए खर्च कर दिए गए हैं लेकिन अब तक बिहार को बाढ़ से निजात बाढ़ से आज़ादी अभी तक नहीं मिल पाई इसलिए कह सकते हैं कि बिहार में जो बाढ़ है वो घोटाले का खेल बन गया है फिलहाल इतना ही नमस्कार इनका पर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें